नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। मैं महत्वपूर्ण इसलिए बोल रहा हूँ कि जो आर्टिकल जिनके द्वारा लिखा गया ये आर्टिकल वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छे व्यक्ति का मतलब मेरा ये है कि उन्हें नोबेल पुरस्कार 2014 में मिला था बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। ये हैं आपके कैलाश सत्यार्थी साहब, देख रहे हैं आप, ये है उनकी पिक्चर्स। और इस आर्टिकल को हम लोगों ने हिंदुस्तान जो पेपर है उसमें आज निकला हुआ है उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये आपके नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है, ये आपके मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, विदिशा मध्य प्रदेश के, ठीक है, कैलाश सत्यार्थी साहब। तो देखते हैं कि क्या इन्होंने कहा है। श्रम के शिकंजे से बचे बचपन। वर्ष 2015 में अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने सतत विकास के जो लक्ष्य तय किए थे उनमें हर प्रकार की बाल मजदूरी का अंत एक प्रमुख लक्ष्य है। दुनिया को गरीबी, बीमारी, अशिक्षा, पर्यावरण आदि से जुड़े लक्ष्यों को 2030 तक हासिल करना है, जबकि बाल मजदूरी सहित मानव दासता के खात्मे का लक्ष्य 2025 रखा गया है। अब इस तक लक्ष्य को हासिल करने में महज 4.5 साल बचे हैं आपके। मगर कोरोना महामारी सिर्फ स्वास्थ्य और आर्थिक से जुड़ा संकट नहीं, यह बच्चों के भविष्य का संकट भी आपको दिखता है। एक बात आप लोग समझ सकते हैं, ये उसी की बात की जा रही है बच्चों की, कि आपने देखा होगा कहीं टपरी पर काम कर रहे हैं बच्चे, पढ़ने की बजाय वो काम कर रहे हैं, बाल मजदूरी कर रहे हैं, तो उसी तरह की बात की जा रही है। 2 दशक पहले साल 2000 में दुनिया भर में बाल मजदूरों की संख्या करीब आपकी 26 लाख थी। कितनी? 26 करोड़, सॉरी, कितनी? 26 करोड़ थी, जो हम सब के साझा प्रयासों से घटकर अब 15 करोड़ रह गई। बार बार बोलता हूँ, ये कई बार क्वेश्चंस बन चुका है, एमपीपीएससी में भी आपका आ चुका है। तो बचपन बचाओ आंदोलन के लिए आपके कैलाश सत्यार्थी साहब को नोबेल पुरस्कार मिला था। इसी अनुभव के आधार पर भरोसा था कि निश्चित अवधि में योजनाबद्ध तरीके से इस बुराई का खात्मा किया जा सकता है। लेकिन पिछले 5 वर्षों में जितनी राजनीतिक इच्छा शक्ति, धनराशि, नैतिक जवाबदेही और अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता की जरूरत थी, दुर्भाग्य से उसका अभाव देखने को मिला है, यानी कि उसकी कमी देखने को मिली है। पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के महानिदेशक गाय राइडर ने एक कार्यक्रम में चिंता जाहिर करते हुए आशंका भी जताई थी कि जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं उससे सन 2025 में भी 12 करोड़ बाल मजदूरी बचे रहेंगे। और हम लोगों ने क्या लक्ष्य तय किया है कि 2025 तक इसे पूरी तरह से खत्म कर देंगे। हालांकि तब मैंने कई विश्व नेताओं के सामने उन्हें विनम्रतापूर्वक चुनौती देते हुए कहा था कि हमें आशावादी होना चाहिए। एक इसके शब्द हैं कैलाश सत्यार्थी, आज की दुनिया बाल मजदूरी को खत्म करने में पूरी तरह सक्षम है आपकी। उन्होंने और कई नेताओं ने मेरी बात का समर्थन भी किया था, लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि कोरोना वायरस हमारे सामने और भी बड़ी बड़ी चुनौती लेकर आएगा। मौजूदा हालात में बाल मजदूरी, बाल विवाह, वेश्यावृत्ति और बच्चों का उत्पीड़न बढ़ने का खतरा है, इसलिए अब पहले से अधिक ठोस और त्वरित उपाय की जरूरत है। गुलामी और तरक्की साथ साथ नहीं चल सकती है, लिहाजा गुलामी का अंत तो करना ही पड़ेगा। इस बात को आप समझ रहे हैं, गुलामी और तरक्की साथ साथ नहीं चल सकती, लिहाजा गुलामी का अंत तो करना ही पड़ेगा। आप सोचिए कि अगर आप अंग्रेजों के दबाव में अभी भी रहते, उनकी गुलामी अभी भी करते, तो शायद आप इतना आगे बढ़ पाते, कभी नहीं। आप किसी के भी गुलाम बनकर रहेंगे तो कभी तरक्की नहीं पा सकते, उससे मुक्ति पानी होगी। कोरोना महामारी के कारण इस साल विश्व के करीब 6 करोड़ नए बच्चे बेहद गरीबी में धकेले जा सकते हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में बाल मजदूर बनेंगे। सरकार 30 करोड़ बच्चों को मध्याह्न भोजन या फिर स्कूल जाने के बदले उनके माता पिता को नगद धन राशि देती है। एक बाल लंबी अवधि के लिए स्कूल छूट जाने के बाद ज्यादातर गरीब बच्चे दोबारा नहीं लौटते। अर्जेंटीना में 2018 में हुई
शिक्षकों की लंबी हड़ताल के बाद स्कूल में बच्चों की संख्या घटी और बाल मजदूरी बढ़ी। लाइबेरिया में फैली इबोला महामारी के बाद भी ऐसा ही देखने को हमें मिला था। कोरोना का ज्यादा दुष्प्रभाव सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े और कमजोर वर्गों पर पड़ रहा है। उनकी गरीबी व बेरोजगारी और बढ़ेगी, इसका खामियाजा उनके बच्चों को भुगतना पड़ेगा। ब्राजील, कोलंबिया, आइवरी कोस्ट और घाना के कोको उत्पादन, पूर्वी एशिया के मछली पालन आदि क्षेत्रों में तेजी से बाल मजदूरी बढ़ने का खतरा है। भारत के लाखों प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की भी यही हालत हो सकती है। आप समझ सकते हैं कि ये स्थिति, आप कभी जाइए इस क्षेत्र में जहाँ प्रवासी श्रमिक बच्चे, यानी कि इस तरह के जो श्रमिक रहते हैं उनके बच्चे कम ही पढ़ते दिखाई देते हैं, क्योंकि घर में काम बटाने के चक्कर में या फिर भेजने के चक्कर में ये लोग भेजते भी नहीं हैं। सोचते हैं क्या फायदा, कम से कम घर में रहेगा तो कुछ काम तो करवाएगा, ठीक है। और यही समस्या है इनके पिछड़ने की, समझ रहे हैं। महामारी के असामान्य हालात में बाल मजदूरी बढ़ने से रोकने के लिए हमें कुछ ठोस उपाय करने होंगे। पहला, आपका लॉकडाउन के बाद यह सुनिश्चित करना होगा कि स्कूल खुलने पर सभी छात्र कक्षाओं में वापस लौट सकें। इसके लिए स्कूल खोलने से पहले और उसके बाद भी उनको दी जाने वाली नगद प्रोत्साहन राशि, मध्याह्न भोजन, वजीफे पे आदि को जारी रखना होगा। भारत में मध्याह्न भोजन और ब्राजील, कोलंबिया, जाम्बिया, मैक्सिको में अभिभावकों को नगद भुगतान जैसे कार्यक्रमों का बहुत लाभ हुआ है। इन्हें अन्य देशों में भी लागू करने से बाल मजदूरी कम होगी। मैक्सिको और सेनेगल जैसे देशों में शिक्षा के स्तर में सुधार से बाल मजदूरी कम हुई है। एक समस्या और है हमारे यहाँ, पता है आपको क्या होता है कि अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे क्या, शिक्षक क्या करते हैं, जाते हैं और पढ़ाने की बजाय कुर्सी पर पैर पसार कर सोते हैं। फिर सोचते हैं माँ बाप की किस लिए भेजें, जब कुछ फायदा ही नहीं रहेगा तो स्कूल भेजने का मतलब भी तो नहीं बनता है, आप भी सोचिए, ठीक है। दूसरा, शिक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को सस्ता और सुलभ बनाकर गरीब और पिछड़े बच्चों के परिवारों के बच्चों को पढ़ाई से जोड़ा जाना चाहिए। ये उसी तरह की बात की जा रही है कि अभी ऑनलाइन क्लासों की शुरू होने की बात की जा रही है, तो इसके लिए गरीबों के पास तकनीकी सुविधा नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जिनके 3 से 4 बच्चे हैं वो 3-4 फोन खरीदने की उनकी क्षमता नहीं है, तो उनकी बात की जा रही है कि उन्हें भी इस तरह की तकनीकी से जोड़ा जाना चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हालत है नेट व्यवस्था की, उससे भी आप लोग परिचित हैं, तो वहाँ भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। सरकार गरीबों के बैंक खातों में नगद पैसा दे, साथ ही भविष्य में रोजी रोटी के लिए उन्हें सस्ते व सुलभ कर्ज उपलब्ध कराए, ताकि वे साहूकारों के चंगुल में ना फंसें और अपने बच्चों को बंधुआ मजदूरी या फिर मानव व्यापार से बचा सकें। चौथा है इसमें, अर्थव्यवस्था सुधारने और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकारें श्रम कानून को लचीला बना रही हैं। इससे असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों में गरीबी, उनके बच्चों में बाल मजदूरी बढ़ेगी। बाल बंधुआ मजदूरी के कानूनों में कतई ढील नहीं देनी चाहिए। पांचवा, देश और विदेशी कंपनियों सुरक्षित करें कि उनके उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला में बाल मजदूरी नहीं कराई जाएगी। सरकारें निजी कंपनियों के समान ही की बड़ी खरीदारी होती है, इसलिए ये बेसिर्फ बाल मजदूरी से मुक्त सामान ही खरीदें। दूरदर्शी और निर्णायक नेतृत्व का सबसे जरूरी प्रमाण यह है कि वह नीतियों, कार्यक्रमों और आर्थिक नियोजन में अपने देश के बच्चों को कितनी प्राथमिकता देता है। मैंने विश्वभर के 45 नोबेल पुरस्कार विजेता, कितने, 45, 20 भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्षों, 2 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के प्रमुखों और दलाई लामा और आर्क बिशप डिसमंड टूटू, गार्डन ब्राउन जैसे 21 हस्तियों के साथ मिलकर अमीर राष्ट्रों से मांग की कि कोरोना महामारी के आपात फंड के लिए घोषित $5,000 अरब की राशि पर का 20%, यानी कि $1,000 अरब दुनिया के 20% उपेक्षित व निर्धन बच्चों, उनके परिवारों पर खर्च किए जाएं। हमने अलग अलग राष्ट्रों में से भी इसी अनुपात में खर्च करने की मांग की है। ये कौन बोला है कि कैलाश सत्यार्थी साहब।
बाल मजदूरी, गरीबी और अशिक्षा में त्रिकोणीय रिश्ता है। वे एक दूसरे को जन्म देते हैं और साथ चलते हैं चलाते हैं। तो समावेशी विकास और सामाजिक व आर्थिक न्याय और मानव अधिकारों में सबसे बड़ी बाधा है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम विरोधी दिवस पर हमारी नैतिक जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। सिर्फ सुरक्षित खुशहाल बचपन से सुरक्षित और खुशहाल दुनिया बनाई जा सकती है। यदि समाज, सरकारें, उद्योग, व्यापार जगत, धार्मिक संस्थाएं, मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां विश्व समुदाय के अपने बच्चों के बचपन को सुरक्षित और खुशहाल नहीं बना पाए तो हम एक पूरी पीढ़ी के को बर्बाद करने के दोषी होंगे। समझ रहे हैं आप लोग? अब आप ही सोचिए कि अगर स्कूल की सुविधा अच्छी हो, उनके स्वास्थ्य की देखभाल की अच्छी सुविधा हो, प्रशिक्षण की अच्छी सुविधा हो, तो सरकारों को जो फ्री फंड में बांटने की जरूरत पड़ेगी? कभी नहीं, वो अपने बल पर खड़े हो जाएंगे। लेकिन हमारी सरकारें क्या करती हैं? क्योंकि खुद के बच्चे तो VIP स्कूलों में पढ़ते हैं, खुद के बेटी कभी 1200 किलोमीटर साइकिल चला के नहीं गई होगी। आप समझ सकते हैं, ये गरीब ही काम कर सकते हैं। किसी अमीर घर के यानी कि किसी नेता की बीवी ने रोड पर बच्चे को जन्म नहीं दिया होगा, ये गरीबों के लिए है। समझ रहे हैं? ट्रेन से आकर कटा कोई नेता नहीं कटा होगा, उसके लिए गरीब ही है। तो इसके लिए अगर आप सोचिए कि ये आपकी जो भी संस्थाएं होती हैं, सरकारें होती हैं, समाज होते हैं, मीडिया होती है, ये अपना अगर धर्म निभाएं तो मुझे नहीं लगता है कि हमें आगे निकलने में कोई परेशानी होगी, क्योंकि हम बेहतर तरीके से निकल सकते हैं। आप अब सोचिए कि एक्टर क्या पहन रहा है, क्या नहीं पहन रहा है, उसने शादी कब की, ये दिखाने की बजाय अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के बच्चों की हालत दिखाएं कि उनके साथ क्या हाल है, स्कूलों में पढ़ाई हो रही है या नहीं, तो मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से हम इससे निपट सकते हैं। लेकिन TRP के चक्कर में वो इसलिए दिखाएंगे कहाँ? किसी ने अच्छी बात कही थी कि वो हर आदमी को अपना धर्म निभाना चाहिए। आप सोचिए कि अगर पानी, आग का काम है आग लगाना, पानी का काम है बुझाना, और आप सोच सकते हैं कि अगर पानी आग लगाने लगे और आग बुझाने लगे तो ये संभव है? कभी नहीं। तो हम शायद अपना धर्म नहीं निभा रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आपका गाय है, एक जानवर को पालते हैं वो अपना धर्म निभाता है, कुत्ते को पालते हैं वो अपना धर्म निभाता है, जिसके लिए आप उसे पालते हैं वो धर्म पूरा करता है। तो हम तो मानव हैं, हम तो उनसे आगे हैं, जानवर से इंसान बन चुके हैं, तो हमें भी अपना धर्म निभाना चाहिए। और इसमें आप लोग पंचायतों का भी रोल देख सकते हैं, अपने स्थानीय नेता यानी कि आप जो बने फिरते हैं, मुझे ये लगता है कि वोट देने वालों से ज्यादा वोटर से ज्यादा नेता उभर चुके हैं। अगर ये अपने अपने क्षेत्रों के बच्चों का, स्कूलों का हाल पूछें, क्योंकि मास्टर के अपने बच्चे तो पढ़ते हैं VIP स्कूलों में, तो उनसे पूछें कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, आप ये सुविधा क्या रखे हुए, तो सुधारा जा सकता है। और समझिए कि कोई भी आंदोलन सफल तभी हुआ है जब समाज का हर तबका उससे जुड़ा है, गरीब से लेकर अमीर तक। तो इसमें जुड़ना सबको होगा, तभी हमारे सपनों को, हम सबके सपनों को, हमारे सपनों को आप लोग सफल होते हुए देख सकेंगे। वरना आपको सोचिए कि इतिहास कभी माफ नहीं करेगा, एक इतिहास लिखा जाएगा आगे चल के हम लोगों के बारे में, तब हमें ही दोषी माना जाएगा। जब दुनिया अलग अलग तरक्की कर रही होगी, उस समय भारत के लिए हम लोग जिम्मेदार होंगे बर्बादी के लिए। ठीक है, तो अपनी जिएंगे कितने दिन, 50-100 साल, 200 साल जी लोगे, लेकिन जो धब्बा लगेगा ना आपके ऊपर वो कभी धूल नहीं पाएगा। आप देखते हैं अभी भी सिंधिया खानदान को गद्दार बोला जाता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस शब्द को यूज कर रहा हूँ, आप खुद इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है। ठीक, भोपाल की रानी सिंधिया को, मानसिंह को गद्दार बोला जाता है। तो आप सोचिए कि इतिहास गुजर चुका है फिर भी उन्हें गद्दार घोषित किया गया है, अभी भी कई लोग बोल देते हैं। तो अपने अगर इतिहास में अपनी स्वच्छ छवि बनाए रखनी चाहते हो तो कुछ तो करना होगा। केवल ताली बजाने या थाली बजाने से कुछ काम नहीं चलेगा, ठीक है, खुद आगे बढ़ना होगा। चलिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखिए संकट की घड़ी में, ठीक है, क्योंकि आपके लिए कोई नहीं आ रहा है, आप खुद जिम्मेदार होंगे जिसके लिए भी, जो भी हो।